तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं रॉयल रंबल के बारे में, नेक्स्ट ईयर के रॉयल रंबल के बारे में। और यहाँ पर जस्ट अभी WWE ने कुछ ही टाइम पहले इस चीज़ को अनाउंस करा, मतलब यहाँ पर जो नेक्स्ट ईयर का रॉयल रंबल होने वाला है उसकी WWE ने डेट एंड लोकेशन यहाँ पर अनाउंस कर दिए हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का रॉयल रंबल हमें देखने को मिलेगा सैन एंटोनियो टेक्सास से, जहाँ पर 28 जनवरी इसकी डेट होने वाली है। और यहाँ पर एलामोडोम जो कि बड़ा एक स्टेडियम है, एरिना है, वहाँ से रॉयल रंबल होने वाला है। 2017 का रॉयल रंबल आपको याद ही होगा, जहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने उस रॉयल रंबल को जीता था। और सच बताऊँ तो यहाँ पर वो वाला जो रॉयल रंबल था मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, मतलब काफ़ी सारे लोगों को वो रॉयल रंबल पसंद आया था। लेकिन जो एलामोडोम इतनी जो बड़ी एरिना है, जो वो लंबी सी रैंप हमें देखने को मिली थी, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी थी। तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पर यानी कि 2023 के अंदर रॉयल रंबल हमें उसी एरिना से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर WWE ने ऑफिशियली यहाँ पर इस चीज़ को अनाउंस कर दिया है। अगली अपडेट की बात करें तो गाइस यहाँ पर WWE ने अपने वेबसाइट के ऊपर मतलब काफ़ी सारे कल यहाँ पर चेंजेस करे हैं, जहाँ पर मतलब जो इंटरनली चेंजेस होते हैं जो कि काफ़ी कह सकते हो ज़रूरी भी यहाँ पर। तो WWE ने कल यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस करे, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे सुपरस्टार्स को उनका जो फुल नेम है वो यहाँ पर वापस मिल चुका है। तो उनकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर इस चीज़ को अपडेट किया गया, जैसे कि यहाँ पर टोमासो चेंपा का जो फुल नेम है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पर पहले चेंपा कर दिया गया था लेकिन अब टोमासो चेंपा यहाँ पर हो चुके हैं वो। इसके साथ ही यहाँ पर हमने देखा कि इंपीरियम का भी रियूनियन हुआ था, तो यहाँ पर जो जियोवानी विंची आए थे यहाँ पर उनको भी यहाँ पर स्मैकडाउन के ब्रांड के अंदर डाल दिया गया है, यानी कि रोस्टर के ऊपर डाल दिया गया है। और यहाँ पर जियोवानी विंची और लुडविक कैसर जो है वो उनको एज अ टैग टीम यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर दिखाया जा रहा है, तो टैग टीम के तौर पे यहाँ पर ये हमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर सोलो सिकोवा को भी यहाँ पर स्मैकडाउन के रोस्टर में डाल दिया गया है। और भी WWE ने यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस करे उनकी वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पर मैं देख ही रहा था तो यहाँ पर एक चीज़ को मैंने नोटिस किया, मुझे यहाँ पर याद नहीं ऐसा पहले हुआ था या फिर नहीं, लेकिन साशा बैंक्स और नियोमी अभी भी यहाँ पर WWE के एक्टिव रोस्टर की यहाँ पर लिस्ट के अंदर शेड्यूल की जा रही है, उनको वहाँ पर रखा गया है। अब मुझे ये याद नहीं है कि यहाँ पर जब से वो गई हैं तो उनको वहाँ से हटाया गया था या फिर नहीं हटाया गया था, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो एक्टिव सुपरस्टार की लिस्ट है उसके अंदर साशा बैंक्स और नियोमी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो क्या ये हिंट है कि यहाँ पर वो वापस आने वाले हैं, या फिर मुझे तो याद नहीं है कि उनको वहाँ से कभी रिमूव किया गया था या फिर नहीं। बाकी ये कुछ यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर चल रहा है, WWE की काफ़ी सारे चेंजेस तो हम देख ही रहे हैं उनके प्रोडक्ट के अंदर, और WWE इंटरनल भी इन सारी चीज़ों को यहाँ पर फिक्स कर रही है। अगली अपडेट की बात करें तो वाइज यहाँ पर हम जानते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन का कमबैक हुआ इस वीक की रॉ के ऊपर, और स्मैकडाउन के ऊपर भी यहाँ पर वो आने वाले हैं। तो स्मैकडाउन के ऊपर आप सोचोगे वो आके क्या करने वाले हैं, और यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन किस ब्रांड का यहाँ पर पार्ट होंगे, रॉ का या फिर स्मैकडाउन का। तो रिपोर्ट्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर WWE ब्रॉन स्ट्रोमन को स्मैकडाउन के ऊपर रखने वाली है, और एज अ बेबी फेस सुपरस्टार बन के वो रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई मॉन्स्टर हील बन के रहेंगे, बल्कि बेबी फेस सुपरस्टार वो चलने वाले हैं। तो इससे कह सकते हो ये भी हमें हिंट मिलता है कि यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम पर जो हमारे वर्ल्ड चैंपियन है रोमन रिंग्स वो हील सुपरस्टार हैं, तो उनके सामने ब्रॉन स्ट्रोमन को तो WWE एक हील रखेगी नहीं, उनको यहाँ पर फेस ही रखेगी। तो इस वजह से यहाँ पर माना जा रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमन स्मैकडाउन के ऊपर रहेंगे और एज अ बेबी फेस सुपरस्टार बन के वो रहने वाले हैं। बाकी इस वीक के एपिसोड में वो आने वाले हैं, WWE ने अनाउंस कर दिया है, तो वहीं से हम देखेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन के क्या कुछ यहाँ पर फ्यूचर प्लान्स होते हैं। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में, इतनी सारी कुछ अपडेट्स थी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कर देना, और फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।